गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन साइंस चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक और दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट का पार्ट सेकेंड है. तो डियर स्टूडेंट इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू हाउ वी ऑब्टेन ऊल एंड हाउ वी प्रोड्यूस ऊल. And here we shall know about the silk. Silk, आप जानते हैं, silk is very famous fiber. And how it is obtained? It is obtained from silk worm. इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो silk production के बारे में कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. तो सबसे पहले आप जान लीजिए, silk is a fine, strong, soft, shining fibers, right? Produced by silkworm, जो silkworm से produce होता है, in making their cocoons, जब वो cocoons बनाते हैं, उसी से मिलते हैं. Silk को हिंदी में हम रेशम बोलते हैं, right? और रेशम की साड़ी बहुत महंगी मिलती है. You now you are aware with this. तो rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. पहले आप जान लीजिए सेरीकल्चर क्या होता है. जब हम सिल्क वार्म को पालते हैं उससे सिल्क प्राप्त करने के लिए, तो दिस इज नोन एज सेरीकल्चर. इसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ द पर्सन डू दिस जॉब फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग. सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग, यानी सिल्क की खेती, रेशम की खेती. सेरिकल्चर इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल. बिफोर वी गो फर्दर डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ यानी सिल्क के कीड़े की जान लें कि पहले कैसे यह मिलता है. पहले एक सिल्क मोथ ले एग्स, उसमें जो है युवा, फिर क्या तैयार होता है, लार्वा, देन प्यूपा, फिर सिल्क मोथ, राइट? तो देखिए, फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स ऑन लीव्स ऑफ ट्री. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वह अंडे देती है, कहाँ पे? फीमेल सिल्क मोथ अंडे देती है, ले एग्स ऑन मलबेरी लीव्स. मलबेरी जो पेड़ होता है, मलबेरी शहतूत जिसको बोलते हैं, उसके पेड़ पर यह जो है अंडे देती है, राइट? द एग हैज टू फॉर्म वार्म लाइक लार्वा. वह जो है कि कीड़े की तरह, जब वह एग हैचिंग होती तो उसमें जो है वार्म लाइक यानी कीड़े की तरह लार्वा निकलते हैं. और लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल कैटरपिलर. उसके कैटरपिलर भी कहते हैं या सिल्क वार्म भी कहते हैं. सिल्क वार्म फीड ऑन लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज. सिल्क वार्म जो है मलबेरी ट्री पेड़ के पत्तियों को खाता है. ग्रो बिगर इन साइज, साइज में बड़ा हो जाता है. एंड सिल्क इज फॉर्म इन लिक्विड फॉर्म इन टू ग्लैंड इन सिल्क वार्म सेल. और यहाँ पर देखते हैं, व्हेन द सिल्क वार्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑन इट्स डेवलपमेंट, उसको कहते हैं प्यूपा. और उस स्टेज को कहते हैं सिल्क. इसका स्टेज देखेंगे तो सबसे पहले एग होता है, सिल्क एग देते हैं, देन उससे जो है आपका लार्वा, लार्वा तैयार होता है, देन लार्वा को कैटरपिलर या सिल्क वार्म भी कहते हैं. सेकेंड स्टेज में पहुंचता है उसको प्यूपा कहते हैं. एंड इसके बाद सिल्क मोथ आप होता है. ठीक है, और इसके बाद आप जान लीजिए यस. तो व्हेन सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्यूपा. इसको प्यूपा कहते हैं. और फर्स्ट वी वेन इट टू होल्ड इट सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को होल्ड करने के लिए वो अपने चारों तरफ एक जॉ खींचता है. देन इट स्विम्स
its head, फिर वो अपने head को side to side निकालता है. In form of figure of eight, figure eight में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, right? और इसके बाद the silky covering spun by silkworm, the silky covering spun किया गया होता है silkworm के द्वारा, और वो जो है उसको हम ककून बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ककून. ककून इज मेड बाय silkworm टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट प्यूपा. अपने जो डेवलपमेंट प्यूपा जो है silkworm से जब प्यूपा बनने लगते हैं उसी समय अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वह एक कवरिंग बनाते हैं, और उस कवरिंग को ही ककून कहते हैं. अब ककून से ही बिकम इन अ हार्ड सेल ऑफ सिल्क फाइबर कॉल ककून. द सिल्क वॉर्म कंटिन्यू टू डेवलप इन फॉर्म टू प्यूपा इनसाइड द ककून टू फॉर्म सिल्क वॉर्म. व्हेन प्यूपा जब वो उससे अलग होता है डेवलप फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क वॉर्म देन द ककून इस फिल्टर, फिर ककून उससे अलग होता है. अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, और उससे जो है सुंदर सिल्क मोथ बाहर आता है, और वह जो ककून होता है उसका हम लोग रेशम के फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क द सिल्क वॉर्म डेवलपिंग इनसाइड द ककून इज नॉट अलाउड टू मैच्योर इनटू एन एडल्ट सिल्क मोथ. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क की बात करें कैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले रेयरिंग और सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन ककून्स, राइट. अ फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी सैकड़ों अंडे देते हैं, और एग्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर केयरफुली, उसको स्टोर किया जाता है. सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, जो सिल्क वॉर्म के फार्मर्स हैं उनको भेज दिया जाता है. फार्मर्स इन एग्स को सुटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अंडर हाइजेनिक कंडीशंस में रखते हैं. एग्स आर देन वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग व्हेन द एग हैज सिल्क वॉर्म्स कम्स आउट ऑफ द एग, राइट. द सिल्क वॉर्म फेड अप जो है कि मलबेरी के लीव्स खाते हैं, और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट्स एंड ग्रो बिग इन साइज, वो दिन रात दोनों खाते हैं और बड़े हो जाते हैं साइज में. 25 to 30 days, silkworm stop eating and get ready to spin cocoon. और फिर उसके बाद वो खाना बंद कर देता है, और 25 से 30 दिनों के बाद वह जो है अपने चारों तरफ ककून्स को स्पिनिंग शुरू कर देता है. silkworm climb to its place near them, spin cocoon of fiber, silk fiber, right? And silkworm enclose themselves completely. सेकेंड है प्रोसेसिंग ऑफ ककून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर. क्या क्या प्रोसेसिंग होती है ककून की सिल्क फाइबर्स प्राप्त करने के लिए, तो उसको भी देखना चाहिए हम लोगों को. प्रोसेसिंग ऑफ ककून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स. ऑल द ककून्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, सभी एक पायल्स ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. दिस इज डन एज फॉलो, राइट. The process of taking out silk fiber from cocoon for use as a silk is called reeling. उसको reeling का नाम देते हैं. Converting silk fiber into silk cloth, फिर convert किया जाता है silk fiber को silk cloth, twist करके उसको silk yarn बना के फिर उसको weave करके हम उससे जो है convert कर देते हैं silk fiber से silk cloth में. Different varieties हो हैं silk की, अलग अलग varieties आते हैं. जैसे देखते हैं कौन कौन से सिल्क आते हैं, द डिफरेंट सम ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क और मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, मूगा सिल्क, ओसा सिल्क, एरी सिल्क, ईटीसी. दीज आर स्पेशल वेराइटी ऑफ सिल्क. नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल सिल्क के जो है कि ककून ऑफ सिल्क वॉर्म्स से प्राप्त होता है, और इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना होता है. नेचुरल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, और आर्टिफिशियल सिल्क जो रेयन होता है, सिंथेटिक फाइबर्स होता है, ये लकड़ी के पल्प से प्राप्त होता है, और यह जो है सेलुलोज का बना होता है. और वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क बाय परफॉर्मिंग बर्निंग टेस्ट, यानी जला के बर्निंग टेस्ट करके उसको हम अलग अलग कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी
it is not easy to distinguish between artificial silk and natural silk. एंड सेकेंड चीज, और मैं आपको डिस्कवरी ऑफ सिल्क ये बता दें कि सिल्क की खोज कैसे हुई, कहाँ हुई. तो सबसे पहले आप जान लीजिए चाइना एक देश है, यू नो दैट. तो मेड इन चाइना, सबसे पहले बहुत समय पहले चाइना ने इसकी डिस्कवर किया. इट इज सेड दैट चाइनीज एम्प्रेस सीलंग चीन वॉज आस्क्ड बाय एम्परर ह्यूंग टी टू फाइंड कॉज टू डैमेज लीव ऑफ मलबेरी ट्रीज गार्डन. कि मलबेरीज के पत्ते जो है क्यों जो है डैमेज हो जा रहे हैं नुकसान. तो एम्प्रेस फाउंड सम वाइट वॉर्म्स ईटिंग ऑफ मलबेरी लीव्स. और एम्परर ने पाया कि जो कुछ सफ़ेद कीड़े उसके पत्तियों को खा रहे हैं जिससे कि वो खत्म हो जा रहे हैं. ककून ड्रॉप सी आल्सो नोटिस दैट वार्म वर स्पेनिंग शाइनिंग ककून अराउंड दैम. अ ककून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी. एक ककून जो है उनके टी में गिर गया एक्सीडेंटली. डेलिकेट सिल्क थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम ककून. दिस इज हाउ सिल्क वॉज डिस्कवर्ड. और सिल्क लेड टू बिगनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना. सिल्क प्रोडक्शन इन चाइना वॉज कैप्ट ए सीक्रेट हंड्रेड ऑफ ईयर्स. और सिल्क प्रोडक्शन जो है चाइना में कई सालों तक सेक्रेट रखा गया, उसको नहीं बताया गया. इसीलिए और चाइना इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. द रूट ऑन विच दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट इवन टूडे. आज तक उस रूट को हम सिल्क रूट बोलते हैं. चाइना लेड द वर्ल्ड प्रोडक्शन. इंडिया इज ऑल्सो एमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स आर एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. राइट. तो सो स्टूडेंट, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस. सिल्क कैसे उत्पादित होता है. और थैंक यू वेरी मच. गुड डे.